हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी। दिस साइड ऋषभ। तो जैसे कि गाइस, हमने पहले वीडियो डाला था एक कि हम आपको मंझे में सस्ती रेंज के मांझे दिखाए थे हमने, तो उस वीडियो का रिस्पॉन्स हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला था। मतलब आपका बहुत ही सपोर्ट मिला उस वीडियो पे। उस वीडियो में ये था कि जितने भी मांझे दिखाए थे कुछ ही टाइम में उसका पूरा जितना भी स्टॉक था हमारे पास सब पूरा सेल आउट हो गया। तो उस अच्छे रिस्पांस की वजह से आज हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो लाए हैं, जिसमें कि आज हम आपको सस्ती रेंज के पौने दिखाएंगे। तो सस्ती रेंज के पौने मींस कि 12 रुपये, 13 रुपये और 14 रुपये की रेंज के हम आपको पौने दिखाएंगे। ये जितने भी पौने हम दिखाएंगे आपको, ये सब मैंने खुद चेक किए हुए हैं। मैं मैदान गया था तो मैंने जितने भी ये पौने हैं, मैं भी शावेज भाई से लेके गया था और उसके बाद वो सब पौने मैंने भी चेक किए थे, तो उन पौनों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसी वजह से पहले हम खुद चेक करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे पौने हैं, मतलब फिनिशिंग हो गई, कमानी ठड्डे हो गए, पेपर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, नो डाउट। मतलब इतनी सस्ती पतंगों में इतना अच्छा मटेरियल मिलना तो मतलब काफ़ी मुश्किल बात होती है। तो बस चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे पौने हैं, कितने अच्छे पौने हैं और क्या रेंज होगी पौनों की। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले एक हमने वीडियो डाला था जिसमें कि हमने दिखाया था बच्चों के लिए कि जैसे ठड्डा टूट जाता है, तो हमने ठड्डा बनाना दिखाया था उसमें। तो उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे कि कुछ और भी करके दिखाइए, कुछ ऐसी चीज़ जो जैसे कि कमानी टूट जाती है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है कि उसमें हम आपको कमानी दिखाएंगे कि कमानी कैसे बनाई जाती है। वो वीडियो वैसे पड़ जाता, लेकिन क्या था कि हमने उसको बनाया, उसके बाद हमने वो पतंगे चेक करी। ऋषभ भाई ने आज वो पतंगे, हाँ। ऋषभ भाई ने और सूरज भाई ने मिलके कुछ पतंगों की आज कमानी तोड़ी। हाँ। तोड़ने के बाद उसको जोड़ा, हाँ। पूरा उसको डिटेल से चेक किया और उसको उड़ाकर देखा तो पतंगों में कोई दिक्कत नहीं आई। पतंगे जैसी उड़ती थी वैसे ही उड़ रही, तो ये भी नहीं हुआ कि आज हवा तो बहुत तेज अच्छी हवा थी और पतंग आगे जाके उसकी कमानी फिर टूट गई हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पतंगे उड़ने में बिल्कुल जैसी होती हैं वैसी ही रही, कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आया पतंगों में। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता हमारा इसी चीज से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड हो। तो ऋषभ भाई पतंगे दिखाइए, स्टार्ट करिए। बिल्कुल, तो ये आ गया एक पतंग, देखिए पार्टदार है ये। ये पतंग हमारे पास आपको मिलेगा 12 रुपए की रेंज में। ये देखिए, पास से देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी है, कमानी ठड्डे। मैं एक पतंग आपको निकाल के बिल्कुल सिका हुआ कमानी ठड्डा लगा, बढ़िया बिल्कुल बिंदास। ये देखिए पेपर वगैरह भी आप देख सकते हैं, एकदम अच्छा लगा हुआ है। कमानी कितनी अच्छे से चढ़ी है, कमानी कितनी अच्छे से चढ़ी है, ठड्डा एकदम लोचदार फ्लेक्सिबल है। ये देखिए कितना प्यारा पतंग है। ये जो हो गया ये कलर कॉम्बिनेशन में ब्राउन और ब्लैक, चॉकलेटी, हाँ चॉकलेटी ब्राउन और ब्लैक कलर में एक पार्टदार हो गया। इसका दूसरा कलर आता है ये देखिए, ये पतंग कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी वही 12 रुपए की रेंज का पतंग है, ये देखिए एकदम जैसे 12 रुपए की रेंज चल रही ना अपनी। हाँ 12 रुपए की रेंज, जैसे सुई होती है बिल्कुल सुईदार ठड्डा लगा है इसमें और आगे इससे पतली, तो एकदम सुईदार ठड्डा लगा हुआ है। ये देखिए कितना कितना जानदार ठड्डा लगा हुआ है। ये देखिए फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं, पतंग देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना अच्छा पतंग है, लाल पत्ते के साथ है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ाता है, ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा। ये हो गया 12 रुपए। इसी में एक तीसरा आ जाता है, तीसरा ये भी आप पार्टदार ही है, तीनों पार्टदार हैं इसमें, सेम कोई इशू नहीं है पतंग में। जैसे ये पतंग को दिखा दीजिए, वो दोनों थी वैसे ही ये भी है। ये देखिए और एकदम जानदार ठड्डा, पतंगें सारी जानदार हैं इसमें, ठड्डे लोचीले लगे, लोचदार फ्लेक्सिबल। ये हो गई हमारी 12 रुपए की रेंज। 12 रुपए में आपको ये ब्लैक पार्टदार, ब्लू और ब्लैक पार्टदार
और ये चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक पार्ट दार मिलेगा आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं 13 रुपए की रेंज में। ये देखिए आप पतंग की खूबसूरती देखिए, बस एक पतंग निकालिए। ये देखिए ये पतंग तो भैया मेरी खुद की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरे को इस पतंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप इसका ठड्डा देख सकते हैं, एकदम सुई माफ एक ठड्डा है। और ये देखिए कितना जानदार, ये देखिए और ये देखिए ये लंबा फर्मा है पौने का, और इसमें जो हल्का सा चील कार्ड टाइप का ये भी है। हाँ, हल्का सा, बहुत हल्का सा चील कार्ड है ये, लंबा फर्मा इसको आप बोल सकते और हैं। इसमें जो ये टिप्पे लगे हुए हैं, ये देखिए एक कंट्रास्ट है, ब्लू साइड्स ब्लू नीचे, और पत्ता देखिए कितना खूबसूरत लगा हुआ है। अब पीछे से भी देखेंगे तो पीछे से आपको ये समझ में आएगा, ये देखिए कितना प्यारा पतंग है। ये देखिए ये पतंग आ गया हमारे पास 13 रुपए की रेंज का। उसके बाद सेम इसमें आ जाता उसी है, का पलटी है ये, ब्लू कंट्रास्ट है, जैसे उसमें ब्लैक पे ब्लू टिप पे थे वैसे इसमें ब्लू पे ब्लैक है। इसका भी मैं आपको एक पतंग निकाल कर दिखाता हूँ। और अयान भाई क्या हैं, भाई आ गए हमारे, कितना जानदार पतंग है ये, देखिए ठड्डा कितना जानदार लगा हुआ। अयान भाई बहुत डिमांड में चल रहे हैं आप, पतंग देखिए कितना प्यारा है। बैक से भी देखिए एक बार। अयान भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे आसिफ भाई बोले तो काय बोलने के, अरे आप भी कुछ पतंग पतंग जरा चेक करके बताइए क्या कमी है। हाँ, पतंग में कोई कमी हो तो बताइए, पतंग आप अपनी ओपिनियन दीजिए जरा। देखिए पतंग जरा, अब अयान भाई कुछ बताएंगे आपको इन पतंगों के बारे में। पतंग का फर्मा एक तरफ का है, कहीं भाग नहीं रहता, एक नंबर की जगह है, अपनी जगह पे कमाई लेते। देख लीजिए आप एक बार, इससे आगे देखिए आगे, और ये देखिए पतंग इतना कुछ बचना है। नीचे डिजाइन तो देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, पीछे देखिए पत्ता, ये देखिए डिजाइन है। अब इतनी सारी खासियत पतंगों में थी, हम लोग देख ना पाए और कुछ गच्छी नहीं कर पाए। अयान भाई ने देखिए पतंग में क्या क्या क्वालिटी सब आपको बता दिया। पतंग बढ़िया डिजाइन है ना, का ठड्डे बहुत सिपाले लगे इसके, बहुत सिपाले लगे, बहुत रांगड़ पतंग है ये। ये कुछ नए शब्द भी याद कर देते हैं, रांगड़ डिजाइन अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये डिजाइन देखिए कैसा है, इधर देखिए, दिखाइए तो दांतों का डिजाइन दिखाइए अपने। तो 13 रुपए की रेंज में आपको ये पतंग मिलेगा, देखिए ये, और उसी में तो आपको भाई काला दिखा रहे हैं, काला भी सेम उसी तरीके पतंग है, लेकिन उसमें काला लगा था यहाँ पे, लेकिन इसमें नीला है भाई। ये देखिए पत्ते में भी नीला है, यहाँ पे भी नीला है, डंडी के यहाँ पे भी, और यहाँ पर मुड्डे पर भी नीला, और भाई ये देखिए पीछे भी नीला पूरा। और पतंग बहुत सिपाला, 13 रुपए पतंग में क्या लेंगे आप? बिल्कुल सही बात, 13 रुपए आप क्या लेंगे, इससे सही थोड़ी पतंग आपको 13 में लेते भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई ठड्डे वाला यहाँ पर रबर से बहुत फिल्म आते भाई, पतंग दिखाओ 12-10 कोई पतंग, 13 देखो कोई पतंग वाला यहाँ, पतंग ही पतंग ही का। तो अयान भाई ने आपको और थोड़ी नॉलेज दे दी, मैं नहीं दे पाया। इसके बाद अयान भाई एक पतंग और आप दिखाइए, ये पतंग थोड़ा सा 14 रुपए की रेंज में आएगा। तो बेसिकली ये पतंग था हमारे पास 15 रुपए की रेंज में। हाँ, वीडियो में हमने इसको जी जी 14 में दे दिया, मतलब 14 में एज अ सेल कर दी हमने इस पतंग पे। तो ये देखिए ये पार्टदार आ गया, कितना प्यारा पतंग है, सेम कवानी का ठड्डा एकदम, ये देखिए इसमें पोचदार लगा हुआ है, ये देखिए। ये 14 रुपए की रेंज का पतंग है, इतना जानदार कमानी है इसकी, मतलब इतनी रेस होगी इस पतंग में कि आपको अगर आप मैदान लड़ा रहे हैं तो आपको मजा आ जाएगा। अब इस पतंग में क्या खासियत और है जो आपसे रह गई है वो अयान भाई बताएंगे। अयान भाई आप बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक पतंग ले लीजिए जरा और बताइए हमें भी। तो भाई इस पतंग में ये खासियत है, तो दो रंग के तो पतंग है,
ब्लैक और रेड कलर के पतंग पाटदार है। सबसे पहले खासियत जो आपने ऋषभ भाई बताना भूल गए थे, इसके कमाने ठड्डे ही बहुत ही पाले। और ये पतंग देखिए क्या पतंग है, ये आप खुद आगे देखिए। और ये देखिए कागज की भी खासियत बता दी इन्होंने कि मोड़ मार के कागज दिखा दिया। ये डंडी है, अब पतंग एकदम तीर चले ना, जब कहीं ये पतंग चाहे मेरा नाम लिख लीजिए इसमें, ये पतंग ना तीर चले जब आपके मतलब इन्होंने स्पेशलिटी बता दी कि अगर आप अपनी पतंगों में आया नाम लिख देंगे तो पतंग एकदम तीर चलने लगेगी। तो ये देखिए इसमें हम दिखा रहे थे, जैसे यहाँ नीला बना है या काला बना, तो इसमें मैं लाल बना, थोड़ा डार्क है इसमें लाल। अच्छा अच्छा, वो मैचिंग लगा हुआ डार्क नहीं ना भाई, आप देख सकते हैं लाल। चलिए ठीक है यार भाई, ये पतंग हो गया, इसको साइड कर दीजिए आप। इसको साइड कर देते हैं, इसके बाद इसी में पतंग आपका, इसी में ये पतंग आता है, ये दूसरा ब्लू और ब्लैक पार्ट था। मतलब आप कॉम्बिनेशन देखिए कितना जबरदस्त है ये, उसी में का ब्लू और ब्लैक का पार्टदार और पत्ता रेड। कमानी एक का है, एक पतंग निकाली तो कमानी पास निकाली। मैं दिखाता हूं मैं आपको, मतलब आप अगर ये पतंग परचेज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। ये देखिए वही सेम एकदम सुई जैसा ठड्डा लगा हुआ है, और ये देखिए कितना प्यारा पतंग है। ये देखिए मतलब कमानी तो इतनी जानदार लगी हुई है कि आप वो मजा आ जाएगी इस पतंग में। ये देखिए कितना प्यारा पतंग है। तो भाई हम इसमें दिखाना चाहते हैं आपको, तो कमानी और ठड्डे ठड्डे ही वाला कर रहे, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, फ्लेक्सिबल ठड्डा। हाँ ये अपने हिसाब से बनी बहुत मीडियम। और ये देखिए कमानी क्या कमानी बनी, इतने प्यारी कमानी लगाई ने, जो भी जिसकी पतंग है भाई। अब आप तो जान नहीं होंगे बदीवाज है, आप तो समझ ही गए किसकी पतंग है, कमानी ठड्डे पहचान गए होंगे। मतलब तो ये देखिए यहाँ केवल बैटिंग लड़ाते हैं, अभी ये जाके बैटिंग कल, लेकिन ये बैटिंग हार गए, बैटिंग हार गए, हरे कहा कल भाग गए थे, एक पांच काटी। कौन हार गया, मकबरे वाले। अच्छा तो आपने हरा दिया उन लोगों को, हमने सुना था कल आप शायद हार गए। हरा दिया पांच पतंग, पैसे भी नहीं दिए। अच्छा इसी सेम फरमे में एक तीसरा पतंग आ जाता है, ये भरा फरमा है, काला पतंग है ये। तो पत्ता भी इसका भी एक पतंग निकालिए, बिल्कुल एक पतंग निकाल के बताऊंगा। ये पूरा ये इसमें डोरी पिट्ठा जो जो भी पत्ता वगैरह सब मैचिंग पे, मतलब हमारे पास कुछ भी कंट्रास्ट नहीं है मिलेंगी उसमें, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा, एकदम साफ पतंग। जैसे कि हमारे शावेश भाई कहते हैं कि पतंगे देखिए शीशा हो रही, सूरज भाई की लैंग्वेज में इसको शीशा बोलते हैं, और हम कहते हैं बिल्कुल आईना पतंग है ये। और सूरज भाई ये भी कहते हैं इसकी कमाई जैसे देखिए कारीगर ने काम कर दिया, तो हमारे सूरज भाई ये बोलते हैं, तो इसकी कमानी भी सही है, ये तो सूरज भाई सही बोलते, ठड्डे भी, तो सूरज भाई की बात भी, लेकिन बात सही है उनकी, कमानी ठड्डे एक नंबर के लगे हैं। वो सही कहते शीशा पतंग, क्योंकि रोशनी लगाते हैं तो शीशा लगेगा तो रोशनी में, तो आप खुद कहेंगे शीशा पतंग है भाई। वैसे हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ये जो कमानी चढ़ी है, देखिए चौड़े सीने का पतंग है ये, देखिए कितना प्यारा है। कमानी तो ऐसे लगी फाड़ के निकली आ रही है, कमानी ऐसी लगी कमानी, एकदम प्यारा पतंग है। और ये पतंग आपको हमारे पास केवल और केवल 14 रुपए की रेंज में मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे पास पहले 15 रुपए का था, बट स्पेशली इस वीडियो के लिए हमने इस पतंग को 14 रुपए का कर दिया है। एक कलर ये हो गया ब्लैक, ये देखिए ब्लैक हो गया था, बाकी ये दो पार्टदार थे इसमें, इसमें दूसरा ये ब्लैक ब्लू पार्टदार है, और तीसरा इसमें आ जाता है रेड और ब्लैक पार्टदार, उसका पत्ता भी ब्लैक। इसके बाद हम चलेंगे, ये भी उसी रेंज का, ये भी उसी का, ये भी वही है सेम। ये पतंग मैंने आपको काला दिखाया, वैसे ही पतंग निकाल के दिखाता हूं आपको। ये देखिए मतलब सुई, मतलब आप अगर ये मंगाएंगे तो आप देखेंगे और आप बोलेंगे कितने प्यारे पतंग हैं। और फिनिशिंग नो डाउट, फिनिशिंग हमारे पास जो फिनिशिंग आपको मिलेगी वो फिनिशिंग इस प्राइस रेंज में मिलना तो काफ़ी मुश्किल बात होती है, नामुमकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मिल जाएगी फिनिशिंग मिलना ऐसे बहुत मुश्किल होता है। बट ये देखिए लोजदार खड्डा लगा हुआ है, ये देखिए कमानी में दिखाता हूँ आपको, कमानी देखिए कितनी प्यारी लगी हुई है। और किसी भी पतंग में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जो ठड्डा है ये एकदम पतला लगा हो, क्योंकि देखिए ये ठड्डा मोटा लगा होता है, ये ठड्डा आपके हिसाब से जैसे सुई, एक तरह से एक सुई उठाई नीचे से मोटी ऊपर से हल्की पतली पतली आती है,
सेम उसी के तरीके ये बना है, सुई के तरीके यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे थोड़ा वीडियो दिखा दी, देख 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 दिख रहा दिख रहा आपको। इसमें चीज यहाँ से आपको दिखाते हैं, अगर ठड्डा मोटा होता है उसका फायदा ये होता है कि हर कोई मोटे ठड्डे की पतंग नहीं उड़ाता। तो उसमें जो लोग मैदान का शौक करते हैं उनके बैग में वो जो ये होता है, देखिए ये जो थर्माकोल कटर होता है मोस्टली लोगों के पास होता है ये, तो वो इसको अपने अकॉर्डिंग छील सकते हैं। तो फायदा ये होता है मोटे ठड्डे की पतंग है। ये भी वही सेम 14 रुपए की पतंग है। अब अगर ठड्डा जानदार होता है तो उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं उसको, हाँ उसको हल्का कर सकते हैं। लेकिन आप छुरी उरी से नहीं भाई, इसमें क्या ब्लेड आते हैं इससे भी नहीं होता भाई, ये तो सिर्फ कागज आगज काटने का। इसमें क्या आता है 20 वाला ब्लेड, वो चौड़ा होता है इससे, तो आप उससे काट सकते हैं। इससे काटेंगे हाथ में आपके लग जाएगी, तो आप काटेंगे अटक जैसा अटक आपका हाथ चला जाएगा। अच्छा अच्छा, देखिए मतलब यार भाई आप पूरी तरीके से बताइए, जब आप ऐड कर रहे हैं किसी चीज का नटराज तो का ऐसे आएगा, नटराज का देखिए नटराज क्या ऐड कर रहे हैं तो नटराज का कटर ऐसे आएगा। ये देखिए हम आपको इसमें का दिखाते हैं और इसमें का, तो आप दोनों बता सकते हैं कौन सही, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इससे आप काटेंगे लचक लगेगी, आपका हाथ कर सकता है, घाव लग सकता है। इससे काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे से भी अच्छी है प्लास्टिक भाई, आप ऐसे छीलते भी रहेंगे तो आपको लगेगी भी नहीं। और टेप बांध के जरूर इसको करिए, बिल्कुल बिल्कुल टेप, ताकि आपके पांच अन्नब के दो अंगूठे उंगली सब में बढ़िया आप लगा के, तो ऐसे काम सही होगा भाई। ये देखिए ये भी आ जाता है वही 14 की रेंज, ये चील कार्ड है, ये चील कार्ड फर्मे पे है। और देखिए इसका एक पतंग निकाल के दिखाइए, पतंग बहुत डिमांड में चल रहा है, इसका स्टॉक जैसे ही आता है हमारे पास तुरंत सेल आउट हो जाता है। कमानी मैं आपको दिखाता हूँ, कमानी सेम एकदम जानदार लगी हुई हाँ। है। तो जरा सा अब आयान भाई बताएंगे इसमें और क्या क्या खासियत है। इसमें कागज कौन सा लगा हुआ है, ये अजंता है, अजंता पेपर लगा हुआ है। अजंता जितनी पतंगे आपने दिखाई सब में अजंता ही लगा है, सब में अजंता लगा भाई आपने दिखाया है। ये दिखाइए आप, ये क्या नाम है आयान भाई, आप ये दिखाइए इसका, वो रिव्यू दीजिए जरा। तो भाई हम ये बताना चाहते हैं इसमें, तो हमारे साहब ने कागज तो बता ही दिया है, अजंता कौन सा है, अजंता कागज, और उसका चील कार्ड सेम है बना है। बहुत से लोग चील कार्ड उड़ाते हैं ताकि कागज गल ना जाए, यहाँ से तो ये जो रिव्यू दे रहे हैं, ये जो रिव्यू दे रहे हैं अयान भाई इस पतंग का है, और आप लोग देख सकते हैं जो अपने माल चढ़ैया है ये किस चीज का रिव्यू दे रहे हैं। तेज हवा में जैसे हम लोग गोल आकार बताइए, तेज हवा में दूर लगा दी अपने आप झड़ झड़ के चील कार्ड बन जाए, तो इसी मारे इंसान चील कार्ड लेता है, क्योंकि वो पहले बता रहे हैं, ऐसे पता चल रहा है कि इनको नॉलेज थोड़ी सी कम है ना। अच्छा, तो ये आप बताना ही चाह रहे हैं कि हाँ। मतलब अगर तेज हवा होगी ये पतंग झड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये पतंग थोड़ा सा चील कार्ड इसलिए बनाया था। मोस्टली लोग चील कार्ड फर्मा इसलिए लेते हैं, चील कार्ड फर्मा छोटे पेज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तेज हवा के लिए खास करके, तेज हवा के लिए खास करके, क्योंकि तेज हवा में चील कार्ड फर्मा चाल फेर बहुत ही ज्यादा तेज करता है, उसकी चाल फेर बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आप तेज हवा में भी दूर पतंग लड़ाना चाहते हैं तो उसके नहीं, नहीं ये पतंग दूर नहीं लड़ता, दूर के लिए नहीं, वही चीज मैं दूसरा बता रहा हूँ कि अगर दूर आप लड़ाएंगे तो उसके लिए मोस्टली सबसे ज्यादा अच्छा फर्मा होता है गोल फर्मा। गोल फर्मा आप कितनी भी दूर ले जाइए, वो ऐसा पतंग होता है कि जो डोर पीता है दूर में, और ये पतंग आप इसको 500-600 की रेंज में आराम से लड़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा पतंग में। और तेज हवा में पास के पेच के लिए पतंग बहुत ही ज्यादा अच्छा पतंग है। तो भाई तो हम ये बताना चाहते हैं, तो हमारे पास चरके भी आते हैं सर्दी के, मंजे हर कोई चरके आते हैं। अरे यार भाई ये थोड़ा सा टॉपिक मंजे का नहीं है, आज सिर्फ पतंग दिखाना है। तो हम पतंग की भी बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत मंजे की, जो भाई लोग कहते हैं भाई हम यहाँ रहते हैं यहाँ मंजे आ जाए, तो हम भाई आपको दिखाते हैं। आप कुछ ना बताइए, कुछ मत बताइए, अभी आज खाली पतंग दिखाइए आप, तो हम आपको सब कल बता दिएगा। ये देखिए ये 14 रुपए की रेंज का चील कार्ड फरमा है हमारे पास, काफी अच्छा फरमा है, फिनिशिंग नो डाउट। इसके बाद इसी चील कार्ड फर्मे पे आता है ये पाटदार ब्लू और रेड, सॉरी रेड, तो पत्ता भी आपका भी ब्लू होगा, और कमानी ठड्डे इतने प्यारे लगे हैं। एक पतंग निकाल के दिखाइए आप, तो इतने प्यारे कमानी ठड्डे लगे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये जेंडर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, देख सकते हैं भाई इसके कमानी ठड्डे यहाँ से पतले हैं, ये आपको चौड़े भला दिख रहे होंगे वीडियो में, तो इसलिए आप ये देखिए
हमारे खड्डे देखे खाली सिके हुए लगे चिकन वाले, चिकन वाले सूरज भाई मेरे मुंह फैलाते हैं यहाँ से चली जाती है ले अपने घर फिर सूरज भाई चलो कोई ये पार्टदार हो गया क्या पतंग है सावन भाई छोटे पेज के लिए हवा तेज हो भाई जैसे कल हवा थी जितनी पतंगे आपको दिखाई मैंने ये सारी पतंगे आपको मेरे बैग में मिलेंगी क्योंकि सारी पतंगे तो मैं शावेद भाई के यहाँ से लेता हूँ मतलब चेक करते हैं उसके बाद ही हम सारे वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये देखिए एक पतंग मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ आपको कमानी देखिए आप कमानी कितनी जानदार लगी हुई है देखिए एकदम सिकी हुई कमानी एकदम पूरी सिकी हुई कमानी जितनी भी पतंगे आपको सब में कमानी ठड्डे सिके हुए ही मिलेंगे कमानी ठड्डे आपको मिलेंगे भी भाई तो पतंग भी उस हिसाब से बढ़िया भी चलेगा भाई इसलिए आप पतंग अगर लेंगे भले आप ये कहेंगे कमानी ठड्डे इसके ये कमानी ठड्डे भाई आप वैसे दिखा रहे थोड़ा वो सिके हुए तो आप कमाई डड्डे फिक्र ना लीजिए आपको सिके हुए बढ़िया कमाई डड्डे मिल सकती है देखिए आप क्या जैसे लड़ाई है छोटा लड़ाई है बड़ा लड़ाई है बड़ा लड़ाई का नहीं है तेज हवा हल्का बड़ा लड़ा सकता है तेज हवा लड़ा सकते धीमी हवा में भी तो ये पतंग चल सकता है और तेज हवा लड़ाएंगे तो झड़ेगा भी नहीं मेन बात तो ये इसकी बात खासियत ये जलाओ तो भाई तो ये झड़ा हुआ पतंग है तो इसकी कमाई मतलब बनाया इधर चिलकाना हाँ। लेकिन वो जला हुआ दिखेगा आपको दूर से कहीं इंसान ये जला हुआ फिर जो पतंगदार पतंगबाज वो कहते हैं ये चिलकाड़ है जो दूर से नजर पहचाने भाई चिलकाड़ पतंग ये पतंग ऐसा है तेज हवा में पतंग में कोई खराबी नहीं होगी क्योंकि ये पहले से कटा हुआ पतंग है इसलिए इसको चिलकाड़ बोलते हैं ठीक अब ऋषभ भाई ले चुके हैं पतंग कल लड़ाएंगे ऋषभ भाई तो नहीं हम पतंगों को लड़ा चुके हैं पहले से ही तो ये देखिए ये सारी पतंगे हमने आपको दिखा दी ये भी 14 की रेंज में आएगा हमारे पास चील काट फर्मा बस जैसे कि हमने मैंने बताया इन दोनों भाइयों ने बताया आपको कि ये सब पतंगे हैं तो हमने जो पतंगे आपको दिखाई चील काट में पाटदार में हर कलर की पतंगे हमने आपको दिखाई थी तो आपको पसंद आई तो कमेंट में बताइए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए तो आपको पसंद आई है तो कमेंट में बताइए मेरी वीडियो अच्छी लगी कि ऋषभ भाई की कि सुफियान भाई की मेरे मतलब आपका कहना ये है कि आप वीडियो में किसको देखना चाहते हैं तो आप किसको देखना चाहते हैं तो आप वो कमेंट में बता ही सकते हैं आमने सामने कभी बात नहीं बिल्कुल सही सही तो ऋषभ भाई सूरज को देखना चाहते हैं क्या हमें देखना चाहते हैं कि ऋषभ भाई को कि मतलब हमारा इनका कहने मतलब ये है कि ये आप इनको देखना चाहते हैं ये विकराल हैं इनको देखना चाहते हैं आप ये घबराल हैं ये विकराल घबराल में आप किसको देखना चाहते हैं या वापस आप ऋषभ भाई को देखना चाहते हैं या सूरज भाई को देखना चाहते हैं यही कहना मतलब आपका सूरज भाई तो अभी है नहीं बड़े भाई जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कम रेंज की पतंगे हमने आपको दिखाई इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पतंगे कैसे लगी और जैसे कि पहले भी आपको पता है कि मतलब जितना भी स्टॉक होता है हमारे पास वो बहुत ही जल्दी सेल आउट हो जाता है तो जिसको भी ऑर्डर करना हो वो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर ले क्योंकि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व वाला सीन होता है हमारे यहाँ तो आप हमें बताइए जैसे कि आयन भाई ने बताया आपको कि उनको देखना चाहते हैं हमको देखना चाहते हैं आप किसको देखना चाहते हैं आप वीडियो में हमें बताइए तो बस हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइज़।